हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड नमस्कार कैमन आछो सबाई। दो दिन बारिश नहीं हुई तो पेड़ सारे मुरझा गए हैं, तो पहले मुझे देना है इनमें पानी। देखिए छोटू सा बैंगन हो रहा है, छोटू सा। तो सुबह का सारा काम हो गया है मेरा, कपड़े रखते भी धुल गए हैं, ए टू जेड काम करके नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। और मैं आई हूँ पार्लर क्योंकि कोई आ रखा है रेडी होने के लिए, आज फ्रेशर पार्टी है कॉलेज की, तो फिर रेडी होने के लिए आ रखी है, तो मैं करती हूँ उसको रेडी। और मैंने खिचड़ी छोक दिया हस्बैंड के लिए क्योंकि वो कह रहे कि वो खिचड़ी खाएंगे थोड़ा सा पतली पतली, क्योंकि उनके थोड़ा पेट में प्रॉब्लम हो रही, तो खिचड़ी खाएंगे। और मैं करती हूँ रेडी, 12:30 बज चुका है, इनको भी जाना है जल्दी, काफी टाइम हो गया, ये लेट आई है। मुझे नहीं पता था कि रेडी होने आएगी तो एकदम से आ गई, मैं भी फटाफट आ गई हूँ नहा धो के। मैंने कहा चलो पहले इसको रेडी कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ। तो और आजकल मुझे कहीं भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि घर में इतना काम है कि थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिल रहा कि मैं कहीं चली जाऊं, कहीं आरती में जाऊं या किसी पूजा में जाऊं, कहीं गंगा जी जाऊं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर में कितना काम होता है। सो मैं कर रही हूँ मेकअप स्टार्ट और इनको भी जाना है जल्दी फ्रेशर पार्टी में। ये अभी पिछले बार भी आई थी रेडी होने के लिए कॉलेज की पार्टी के लिए, तो ये फिर आई, इनको मेकअप बहुत अच्छा लगता है। आ गई है स्कूल से और पीहू की मम्मी लेके आई है। देखिए इतना धूप हो रहा है कि छाता लेके जाना पड़ा। तुम्हारे छाते में क्या लग गया, दही लग गया क्या? कलर। अच्छा निशान लगा के रखा कि चोरी ना हो जाए। छाता चोरी हो गया ना, इसलिए सही नहीं है, सही किया तुमने। और हमारी पीहू को मिला है एप्पल, स्कूल से एप्पल मिला आज। हाँ गर्मी कैसी थी? मस्त। तो मेरी बेटी भी जा रही है फ्रेशर पार्टी में और रेडी हो चुकी है, दिखाती हूँ। रेडी होकर चले गए हैं वो लोग, तो मैं बाद में करूंगी सेट क्योंकि बज रहे हैं दिन के 2:30 और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सारा सामान आके लगाऊंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत सुबह से ज्यादा भाग दौड़ करते करते। पहले खाना खा लूँ, पहले पेट पूजा, बाकी सारे काम दूजा। सो गाइस मैं खा रही हूँ खाना, आज मेरी बेटी ने सब्जी बनाए हैं दही वाले आलू और चावल, और मैंने थोड़ा सा दही लिया क्योंकि मुझे दही बहुत अच्छा लगता है ऐसे चीनी के साथ खाना। तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, और आप लोग भी खाइए खाना और हम भी खाते हैं, फिर करते हैं आगे काम। देखिए कितनी तेज बारिश चालू हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, गर्मी पड़ने के कारण बारिश चालू हो गई। यहाँ का मौसम तो ऐसे ही होता है, जो ही थोड़ी सी गर्मी पड़ती है और बारिश चालू हो जाती है, और इतनी गर्मी पड़ रही थी कई दिन से लगातार और एकदम से मौसम खराब हुआ और देखिए बारिश स्टार्ट हो गई। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। बैठे थे यार खाली, तो आज पाइनएप्पल खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ पाइनएप्पल लेने, फिर हम उसे एकदम काला नमक लगा के चटपटा करके खाएंगे। चलते हैं लेके आते हैं। तो हमने एक पाइनएप्पल ले लिया है और भैया ने हमें खाने के लिए दिया है पाइनएप्पल। एक किलो ये कर दो बाबू को सा। बाबू को सा जो गा खा रहा था तुम्हारी भाई मिला था मन जिंदा बन के जय भगवान श्री कृष्ण के जय तेरा पा माता जी मां ने तेरा सेवा जी। ठीक है पाइनएप्पल वैसे ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा ये वाला नमक दे देना, ये नमक महंगा पड़ता है, इतने 200 का है। आपने बना रखा ना बढ़िया मसाला, अच्छा लग रहा है, बनाया हुआ है, बड़ा सारा कुछ मंगाते थे हमने मिला थे बना रहा। सामने लिया भैया के यहाँ से फ्रूट, जमीन भैया है साफ आ गया नहीं। हाँ तो ये भैया फ्रूट बहुत अच्छे देते हैं, चलिए हम पपाया लेते हैं कहीं और। सामने लिया है यहाँ से पपीते, तो
गाइस, ये रही मेरी मैगी एंड रोटी, एंड ये रही मम्मी की फ्राइड राइस, दीदी की भी फ्राइड राइस, और ये क्या है, आलू की सब्जी, दही वाले आलू, दही वाले आलू, और ये मम्मी ने आलू पे लगा दिए है दही। अरे कहना क्या चाहते हो? वो फ्राइड राइस, सो गाइस हम खा रहे हैं खाना, हमारी मैगी खा रही, मैगी खा रही है पीयू, हमारी मैगी खा रही है पीयू। ये खाना पीना हो गया है, चलो भाई खाना पीना तो खा लिया है, लेकिन खाना पीना खाने के बाद तो संघर्ष है, सुरक्षित तौर पे संघर्ष तो ये है, ये जो बर्तन धोने पड़ते हैं इसे कहते हैं संघर्ष, करना पड़ता है रात में। हाँ तो आधी रात तक व्लॉग एडिट करना होता है। सो गाइस खाना पीना हो गया है, खाना पीना खाने के बाद जो संघर्ष होता है वो मुझे करना है, अभी मुझे धोने हैं बर्तन, ढेर सारे बर्तन होंगे क्योंकि दिन में भी बर्तन मेरे पड़े हुए थे, मैं धो नहीं पाई पार्लर के चक्कर में, तो मैं अब जा रही हूँ धोने के लिए। कल ही कपड़े तय लगाए और फिर देखिए ढेर हो गया, फिर तय करने के लिए बस कपड़ों का सिलसिला तो लगा ही रहता है। तो चलिए फिर खाना पीना हो गया है, नाइट में बर्तन वगैरह सब धो लिए, किचन साफ कर लिया, डॉक्टर साहब भी सोने चले गए, हमें भी सोना है, वीडियो भी करना है हमें एडिटिंग, तो चलिए आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड्डा देखो कहाँ लटक रहा है, पीहू ने कहाँ लटका के रख दिया इसको।